मुद्दा तो सब हार हो गए, इससे बड़ा कौन मुद्दा है। सब जगह हम लोग हार गए, देश भर में हार गए हैं, तो सब पर विचारण होगा। कमियां रह गई, कहाँ ठीक करना पड़ेगा, संगठन को दुरुस्त करना पड़ेगा, जनता के लिए लड़ना पड़ेगा, ये सभी बातें आएगी। क्या वजह रही कि आरजेडी का खाता भी नहीं खुला? देन अजय सब लोग एक तरफ हो गए, सब मोदी जी के झांसा में लोग आ गया, सारे लोग मोदी जी के झांसा में आ गए। हम लोग पर कोई विचारण नहीं हुआ, सीधे मोदी को वोट दे रहे हैं। इतना भारी जबरदस्त प्रहार और प्रचार और धन बल का प्रहार, उसी से हम लोग की हो गई हार। तेजस्वी यादव ने 224 सभाएं की, लेकिन कुछ असर नहीं दिखा उन सभाओं का, क्या उनके नेतृत्व पर भी सवाल? कहते हैं जी देश भर में हार हो गई और देश भर के नेता सभा करते रहे यार, वोटे नहीं आया, तो एक आदमी पर सवाल उठाना उचित है? देश में हार हो गई, महेश्वर यादव तो पहले से पार्टी से हटे हुए हैं, पहले ही से हटे हुए हैं, ऑन रिकॉर्ड न खाली पार्टी में है ना, तो व्यवहार में तो पार्टी से हटे हुए हैं, बराबर कुछ बोलते रहे हैं कि नेता वो तो पार्टी में है ही नहीं, तो नेता कथी बोलेंगे? नेता बहुत सारे विधायक मेरे साथ हैं। अब आपको तो कह दे, देश तो उन्हीं का नंबर आ रहा है मुख्यमंत्री, विधायक जब बहुत ज़्यादा साथ हो गए तो मुख्यमंत्री में नंबर आ जाएगा उनका। सवर्ण आरक्षण का कोई हम दावा कर दें देश हमारे साथ है, इसका कोई मतलब है? स्वर्ण आरक्षण का विरोध भी भारी पड़ गया, वह एक फैक्टर, वह भी नॉन पॉलिटिकल स्टेप था, गलत कदम था पार्टी के लिए, हमारे घोषणा पत्र में है, उसके बाद उसका उल्टा काम, लोग वोट डाल दिया राज्यसभा में जाकर। आगे आप लोग क्या करेंगे पार्टी को कैसे? आगे संगठन को दुरुस्त करूंगा, संगठित जनाधार सभी का प्रतिनिधित्व होगा और भीषण जन संग्राम होगा, लड़ाई आंदोलन करेंगे, लड़ेंगे। तेजस्वी यादव का नेतृत्व को लेकर के क्या कुछ रणनीति? क्या बिना नेतृत्व के लड़ाई होगी? नेतृत्व है ही, नेतृत्व में क्या दिक्कत? एक आदमी पर सब लोग लग गए हैं, देश में हार हो गई है, एक नेता का क्या कसूर उसमें कहा जाएगा? कमजोरियां हैं, ढिलाई सब है, उस सबको दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन एक आदमी को निशाना बनाना उचित नहीं है।